हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चंस। मैं बीच बीच में आपका इस तरह से टेस्ट लेती रहती हूँ, और जो हमारे पिछले जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट 6 मंथ में, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की इकाई यूनेस्को द्वारा विश्व में पानी की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसका शीर्षक क्या है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए इसको पढ़ने से पहले कि अभी हाल ही में विश्व जल दिवस मनाया गया है। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक, और इसका जो शीर्षक रखा गया है वो रखा गया है लीविंग नो वन बिहाइंड। शीर्षक क्या है इसका? लीविंग नो वन बिहाइंड। यह रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनेस्को द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोकपाल क्या है? देखिए, लोकपाल के आ जाने से अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वहाँ हम लोग बात कर लें पीएम लेवल तक की बात कर लें, पारदर्शिता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। क्योंकि लोकपाल से अगर कोई मांग करता है तो वह किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता से क्या कर सकता है? उसके डिटेल्स, किसी भी काम का डिटेल मांग सकता है। ठीक, तो पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। पिनाकी चंद्र घोष कौन है? या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इनकी नियुक्ति किसने किया है? तो इनकी नियुक्ति किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, इसमें कुल 4 सदस्यीय टीम थे जिन्होंने मिल करके इनकी नियुक्ति के लिए एक टीम बनाया और उसमें इनकी नियुक्ति किया गया। ठीक, और अब से क्या होगा? अब लोकपाल नाम की एक संस्था भी अस्तित्व में आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गोवा का मुख्यमंत्री, तो अभी तो चुनाव हुए नहीं है, तो गोवा का मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाएगा? इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि गोवा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर परिकर, उनका निधन हो गया है। कब निधन हुआ है? 18 मार्च को उनका निधन हो गया है। तो थोड़ा सा पहले मनोहर परिकर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि गोवा का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। ठीक, देखिए, मनोहर परिकर जो थे ये पहले हमारे रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री थे, मनोहर परिकर। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि कौन है हमारे रक्षा मंत्री, तो हमारे रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में गोवा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो प्रमोद सावंत को बनाया गया है गोवा का मुख्यमंत्री। गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि भारत का बर्डमैन किसे कहते हैं, तो डॉक्टर सलीम अली। इन्हीं के नाम पर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है। गोवा की कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है पणजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा होली के अवसर पर एक हफ्ते तक मनाए जाने वाले किस पर्व का आयोजन 14 मार्च को शुरू हो गया? इसका नाम है भगोरिया महोत्सव। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय है जो 14 मार्च होली के एक हफ्ते पहले से इस उत्सव को मनाया जाता है। मतलब कभी भी अगर होली पड़ती है तो उसके एक हफ्ते पहले से भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। आपको याद रखना है कि भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी बताया गया है। भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा दिया गया है। कब? जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है हमारा 2019। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि अबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2019 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 368 पदक जीते हैं। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? स्वर्ण पदक की बात कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल कितना है? 85। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो हमारा अगला ओलंपिक होने वाला है
2016 में कहाँ हुआ था ओलंपिक? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। और 2020 में कहाँ होगा? 2020 में होगा टोक्यो जापान में। इसके पहले यह हो रहा है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड्स गेम। इसमें इसके द्वारा भारत के पहले एथलेटिक्स चुने गए हैं, कौन? इरफान केटी, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए भारत के पहले एथलेटिक्स कौन भाग लेंगे, ठीक। तो उनका नाम क्या है? इरफान केटी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश की सरकारी मुद्रा इकाई ने स्टीफन हॉकिंग में ब्लैक होल क्वाइन, उनकी याद में ब्लैक होल क्वाइन जारी किया? तो ऐसा करने वाला है ब्रिटेन, ठीक है। आपको पता है 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया है, ठीक। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1942 में। ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे। कौन थे? यह एक भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनकी अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने अपनी पीएचडी किस सब्जेक्ट से पूरा किया था, तो इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्सेस के हिसाब से अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया था। इसके अलावा इन्हें 2014 में प्रेरक जिंदगी पर आधारित ऑस्कर विजेता फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग रिलीज़ हुई है। किसके ऊपर थी ये मूवी? ये मूवी थी स्टीफन हॉकिंग्स के ऊपर। इन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले, जैसे 2003 में इन्हें फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड मिला। इसके अलावा 2006 में कॉम्प्ले मेडल मिला, 2009 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है, ठीक। और इनका निधन कब हुआ है? इनका निधन हुआ है 14 मार्च को, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन ने इन्हीं की याद में जारी किया है एक क्वाइन 50 पेंस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बता दिया कि 50 पेंस का एक नया सिक्का जारी किया गया है। कहाँ पे यह जारी किया गया? स्टीफन हॉकिंग्स के याद में, ब्रिटेन में। अगला हमारा कि भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला को किस नाम से आयोजित किया गया है? तो इसका नाम है अल नगाह थर्ड, ठीक है। इसका नाम क्या है? अल नगाह थर्ड। क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे होगा? तो यह होगा ओमान में। कहाँ पे होगा? ओमान में। और यह तीसरा संस्करण है इस युद्ध अभ्यास का। कौन सा संस्करण है? तीसरा। पहला संस्करण कब हुआ था? 2015 में हुआ था, दूसरा हुआ था 2017 में, और तीसरा होगा 12 से 15 मार्च के बीच में हुआ है। कहाँ पे? ओमान में, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि भारत ने ओमान और श्रीलंका के साथ समझौता किया है तेल रिफाइनरी बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में दक्षिण भारत में किस स्थान की हल्दी को GI टैग हासिल हुआ? तो GI टैग मिला है ईरोड हल्दी को। किसे मिला है? ईरोड हल्दी को मिला है GI टैग। GI टैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी विशिष्ट उत्पाद को, जो कि एक अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है वहाँ पे उगते हैं, उन्हें दिया जाता है GI टैग। अगर हम लोग बात करें कि ईरोड हल्दी कहाँ पे है, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है, तो राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है ईरोड नाम का जगह, और वहीं पे खेती की जाती है ईरोड हल्दी की, ठीक। इसके अलावा याद रखिएगा, कर्नाटक के सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2019 के प्रतिज्ञा पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो अराता इसोजाकी को चुना गया है। 2018 की बात करें तो 2018 में बालकृष्ण दोषी को चुना गया था प्रतिज्ञा पुरस्कार के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया? तो देखिए, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है गुरुग्राम। यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने, ठीक। अगर हम लोग बात करें कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है विश्व की, तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। प्रदूषण के बारे में तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हमें जानना है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं इसके बारे में। देखिए, जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, तो इसमें नंबर वन पे कौन सा शहर है, मतलब सबसे स्वच्छ शहर भारत का कौन सा है? इंदौर है। कहाँ पे पड़ता है इंदौर? इंदौर पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। सेकंड पे है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, और थर्ड पे है कर्नाटक का मैसूर। यह पुरस्कार देते वक्त किसने दिया है? तो रामनाथ कोविंद ने दिया है। इसमें गांधी जी की प्रतिमा दी गई है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड किसे मिला है, तो भोपाल को मिला है सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में कुछ खास चीज़ें हुई हैं, जैसे कि इसको कंप्लीट किया गया 28 दिन में,
4 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य में इसको कंप्लीट किया गया है और इसको कम्प्लीटली पेपरलेस रखा गया है। शहरों की संख्या भी आपसे पूछ सकता है, तो 4000 प्लस शहर थे, ठीक है, कितने शहर थे, 4000 प्लस शहरों में यह सर्वेक्षण हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस शहर में AK-203 राइफल बनाए जाने का भारत रूस संयुक्त उपक्रम आरंभ किया गया है, तो यह आरंभ किया गया है अमेठी में। कहाँ पे किया गया है, अमेठी में किया गया है इसकी शुरुआत, याद रखिएगा। अमेठी कहाँ पे पड़ता है, अमेठी पड़ता है हमारा यूपी में, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रयागराज में जारी कुंभ मेला 2019 ने एक हफ्ते में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। कौन कौन सा सेक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज जो कुंभ मेला 2019 है, आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल भी घोषित किया था जब यह शुरू हुआ। इसके बाद इंड होते होते तक 28 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के मध्य में इसने क्या किया, इसने 3 सदस्यीय टीम ने दौरा किया कुंभ मेले का, और उसमें इनको 3 चीज़ों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कौन कौन सी चीज़ें थी, सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन, ठीक, दूसरा क्या था, पेंट माई सिटी, तीसरा क्या था, स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र। कब से कब तक मनाया गया कुंभ मेला, तो 15 जनवरी से लेकर के 4 मार्च तक चला था कुंभ मेला। याद रखिएगा यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल भी घोषित किया है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उद्घाटन की गई विश्व की सबसे बड़ी भागवत गीता का वजन कितना है, तो इसका वजन है कुल 800 kg। कितना है, 800 kg इसका वजन है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और यह विश्व की सबसे बड़ी गीता है, ठीक। इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, तो 670 पृष्ठ हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 बार मुफ्त में दूध दिया जाएगा, तो ऐसा करने वाले है उत्तराखंड की सरकार। कहाँ पे, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने दिल्ली में जारी शूटिंग विश्व कप में कितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट का स्वर्ण पदक जीता है, तो 10 मीटर। जब भी सौरभ चौधरी का नाम आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि इनका शूटिंग का क्राइटेरिया क्या है, 10 मीटर है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह यह है कि यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, या मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये कब से चर्चा में आए, आपको पता होगा मैंने आपको पढ़ा था एशियन गेम्स 2018, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा ISSF शूटिंग, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक। तो जितने भी शूटिंग के चैंपियनशिप होते हैं इन्होंने सब में लगभग गोल्ड मेडल जीता है। बाकी सौरभ चौधरी और शार्दुल बिहान, ये 2 लोग हैं जो कि शूटिंग से संबंधित है, और दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।